ऑप्शंस मेरे पास है नहीं वो। मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रोमेटीन इज मेड अप ऑफ, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियो प्रोटीन, सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट इज क्रोमेटीन इज मेड अप ऑफ, क्रोमेटीन क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है ये पूछा जा रहा था। ऑप्शंस था आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर, पेंटोज, और फोर्थ ऑप्शन जो था दैट इज आपका नाइट्रोजिनस N2 बेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। एक्चुअली न्यूक्लियोसोम आप याद करो, न्यूक्लियोसोम और प्रोटीन से ही वो क्या होता है बना रहता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियो प्रोटीन। सेकेंड क्वेश्चन था बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का बेसिक यूनिट मैंने बताया था कि उसी के रिपीटेशन से बताया दैट इज न्यूक्लियोसोम, मैंने बताया था वो वाइंड करता है डीएनए उस न्यूक्लियोसोम पे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम यूनिट कह रहे हैं जिसमें क्या हो गया आपका बाइंडिंग डीएनए, लिंकर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन H1 हो गया और हिस्टोन ऑक्टामर हो गया H2A, H2B, H3, H4। तो ये यूनिट जो था उसमें वो क्या होगा, न्यूक्लियोसोम होगा। सेकंड, थर्ड था हेरिडिटी कैरेक्टर आर ड्यू टू, क्रोमोसोम्स था, जीन था, ब्लड था, प्लेसेंटा था। तो हेरिडिटी कैरेक्टर जीन से होता है, क्रोमोसोम से नहीं होता है। समझो क्रोमोसोम में बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो कि कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन जो फंक्शनल पार्ट है जो कि हम कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं, तो जीन होगा। फोर्थ जो क्वेश्चन था, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विथ ज्वाइंस विथ स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोम का कौन सा पार्ट स्पिंडल फाइबर पे ज्वाइन करता है। ऑप्शन था क्रोमेटिड, क्रोमोमियर, क्रोमोनीमा एंड सेंट्रोमियर। तो हम जानते हैं स्पिंडल फाइबर्स पे कौन सा चीज जुड़ता है, तो स्पिंडल फाइबर्स पे सेंट्रोमियर जुड़ता है, सेंट्रोमियर ही ना काइनेटो कोड से जुड़ा हुआ था स्पिंडल फाइबर्स ऐसे सर करके हम अगर लोग। काइनेटिक कोड देता ऑप्शन में तो हम लोग काइनेटिक कोड लगाते ना। हाँ तब काइनेटो कोड आता, तब हम लोग काइनेटो कोड लगाते। नेक्स्ट है द सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन, देखो वैस्कुलर कैम्बियम, रूट हेयर, कंपेनियन मेंबर्स ऑफ सीव ट्यूब। आप याद करो आपने 10th में पढ़ा था सीव ट्यूब एलिमेंट के बारे में, सीव ट्यूब एलिमेंट में 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसी के फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है क्योंकि वो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। सर इस ऑप्शन में हम कंफ्यूज थे क्योंकि सीव ट्यूब में ही न्यूक्लियस मतलब नहीं रहता है, तो फिर हम सोचे कि सीव ट्यूब का क्या होगा, तो बट ऐसे ही लगा दिए कंपेनियन से। अच्छा अच्छा कंपेनियन सेल तो ही कंट्रोल कर रहा है ना उसमें है। देखो ओके नेक्स्ट सर था क्वेश्चन नंबर 6 था, हु प्रपोज सेल लीनियस थ्योरी स्टेटिंग ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो हम लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी में ही रुडोल्फ वर्चाउ का नाम आया था, उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल, तो ये तो इजी आप जानते हो ऑस्ट्रिच एग होता है। सोडियम पोटेशियम पंप मैंने एग्जांपल दिया था किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन था, यहाँ पंप एक्टिव से पंप की बात, ट्रांसपोर्ट, हाँ एक्टिव बिल्कुल वो क्या ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव हो जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्क द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच था न्यूट्रल सॉल्यूट जो होता है, न्यूट्रल ऑप्शंस ए दिया हुआ था, इनकरेक्ट इसमें पहचानना था, इनकरेक्ट न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वो मूव कर रहा है किससे, तो सिंपल दिया हुआ है सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, वाटर ऑस्मोसिस से, बी वाटर ऑस्मोसिस से। सी देखो तो सी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉन पोलर तो हम सी लगाए मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड, और डी जो था दैट इज एटीपी यूटिलाइज्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एटीपी यूटिलाइज्ड एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम जानते हैं कि एटीपी यूटिलाइज तो एक्टिव में तो होता ही है, वाटर ऑस्मोसिस से मूव करता है, न्यूट्रल सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन से करता है, नॉन पोलर जो होता है ना वो फैसिलिटेटेड से नहीं करेगा। नॉन पोलर मतलब क्या हो गया, वो पोलर नहीं है मतलब वो आराम से मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है क्योंकि फॉस्फोलिपिड भी नॉन पोलर होता है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से करता है, यहाँ फैसिलिटेटेड नहीं होगा, यहाँ सिंपल होना चाहिए था, ठीक है तब सही होता, तो ये गलत हो गया, मतलब ये नॉन पोलर सिंपल से होना चाहिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है फैसिलिटेटेड, तो वो सिर्फ गलत हो गया। पोलर होगा तो फैसिलिटेटेड तो हो सकता है ना, क्या चीज, पोलर होगा तो फैसिलिटेटेड। हाँ पोलर होगा तब फैसिलिटेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर मिसमैच को आइडेंटिफाई करना था, फिर मिसमैच को या फिर रॉन्ग को हम लोग को आइडेंटिफाई करना था, क्वेश्चन नंबर 11 था। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ था, फर्स्ट था एल्गी, जो दिया हुआ था गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स मैनन्स, फिर सेकंड जो था दैट इज वो दिया हुआ था आपका फंजाई, फंजाई जो कि सेलुलोज दिया हुआ था, थर्ड ऑप्शन था आपका डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट जो आपका स्टिफ सेलुलोज प्लेट दिया हुआ था, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, एंड फोर्थ जो ऑप्शन था दैट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं फंजाई का काइटीन से बना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनेल, ध्यान से सुनना, विच सेल ऑर्गेनेल डिवाइड्स द इंट्रा सेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। तो हम जानते हैं ईआर, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमीटर गोल्जी सिस्टर्नी का, तो मैंने बताया था 0.5 से 1 माइक्रोमीटर रहता है सिस्टर्नी का डायमीटर, ऑप्शन ए होगा उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो सिंपल था लाइसोजाइम्स, लाइसोजोम्स। ठीक है, इन आर आर एन ए, आर स्टैंड फॉर, आर किस चीज के लिए आर आर एन ए में स्टैंड होता है, राइबोसोमल। ठीक है, दिया हुआ ऑप्शन राइबोफोरिन, राइबोजाइम, राइबोसोमल एंड एसआरपी। ठीक है, तो राइबोसोमल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये सेल से पार्ट था, सेल साइकिल से हम देखते हैं, हु कॉइन टर्म माइटोसिस, तो हम जानते हैं माइटोसिस कौन निकाला था, फ्लेमिंग ने। मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल कौन था, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज, तो इंटरफेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, तो साइटोकाइनेसिस हम लोगों ने देखा है प्लांट सेल में, साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट से बनता है। ठीक है, हां सेल प्लेट से। फिर नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस बिकम्स बिगर, सबसे बिगर न्यूक्लियस कब होगा, जब न्यूक्लियस में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तभी तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। ऐसे ओवरऑल जीवन का साइज सबसे ज्यादा, जीवन में सेल का साइज साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज कब बड़ा हमको दिखेगा, जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, इसलिए वो बड़ा दिखेगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइबोन्यूक्लिएज अ माइटोटिक पॉइजन इनहिबिट सेल साइकिल इन, तो जितने भी माइटोटिक पॉइजन होते हैं वो सेल साइकिल को रोकते इंटरफेज में, जब एम फेज में डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा तब तो वो रुकने से रहा, मतलब वो रुकेगा कब, इंटरफेज में ही रुकता है। डायनोमाइटोसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन जो आपका था, डायनोमाइटोसिस अकर्स इन, किसमें होता है, तो मैंने बताया था डायनोमाइटोसिस किसमें होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट, उनको हम लोग एकॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ था आपका, प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोट, यूकैरियोट, एकैरियोट, तो क्या हो जाएगा, मेसोकैरियोट, क्योंकि मैंने बताया था डाइनोफ्लैजिलेट को हम लोग मेसोकैरियोट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, डीएनए तो होता है क्रोमोसोम में लेकिन हिस्टोन एब्सेंट होता है। ठीक है, सर एक बार डाइनोफ्लैजिलेट्स बताइए। डाइनोफ्लैजिलेट्स हम लोग कहते हैं, आप हम लोग पढ़ेंगे भी, जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स में बेसिकली होता क्या है, उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक से ज्यादा। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक ही सिंगल क्रोमोसोम कॉइल्ड ऐसे ऐसे रहता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट रहता है, लेकिन इस क्रोमोसोम में डीएनए के साथ, डीएनए तो होता है लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं होता है, इसीलिए ये ना ही पूरा यूकैरियोट है ना ही पूरा प्रोकैरियोट है, बीच का है, इसीलिए इसको नाम हम लोग मेसोकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन, देखो स्टोरेज और एटीपी मॉलिक्यूल का स्टोरेज, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है सर, G2 होगा ना, हाँ प्रोफेज ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है आपका G1, फिर ऑप्शन है थर्ड एनाफेज, फिर ऑप्शन है आपका फोर्थ जो है G2। देखो
एटीपी जरूरत इसको कब है, सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन के पहले का स्टेज में ही ना वो स्टोर करेगा, दैट इज जी टू फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स बना हुआ क्या चीज का होता है, तो बेसिकली ये बना होता है 95-97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल है तो क्या चीज का बना होगा, डाइनिन का नहीं होगा, ट्यूब्यूलिन का होगा। ये कॉमन सेंस आपको लगाना है इसमें कि वो क्या चीज का बना हुआ है, ट्यूब्यूलिन का प्लस 3-5% आरएनए इसमें होता है। सिंपल एक ही चीज से आइडेंटिफाई कर लेना था हमको, हमको आइडेंटिफाई करना था वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, मतलब वो ट्यूब्यूलिन से बना होता है, ट्यूब्यूलिन बाकी किसी में ऑप्शन दिया ही नहीं है। नेक्स्ट था 23 कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अपीयरेंस ऑफ एस्ट्रल रेज अकर ड्यूरिंग, कंडेंसेशन कब होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो प्रोफेज में हम जानते हैं कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन था सेल प्लेट विच अपीयर्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस काइनेसिस अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स इन, तो हम जानते हैं सेल प्लेट ही बाद में जाके क्या बन जाता है, मिडिल लैमेला बन जाता है ड्यू टू हम कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। नेक्स्ट था ड्यूरिंग टेलोफेज, क्या टेलोफेज, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, हम जानते हैं कि टेलोफेज जो है ये प्रोफेज का उल्टा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें हटता था इसमें बनता है वापस। दूसरा चीज क्या है, उसमें न्यूक्लियोलस हटता था इसमें न्यूक्लियोलस अपीयर होता है, अपीयर्स। थर्ड दो था दैट इज एस्ट्रल रेज डिजअपीयर, उसमें एस्ट्रल रे बनता है, यहां क्या होता है एस्ट्रल रेज हटता है, डिजअपीयर। और फोर्थ जो था दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, ऑल था, ऑल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें हो रही हैं। नेक्स्ट 26 था क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सबसे ऑब्जर्व कब करते हैं, मैंने बताया था क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम मेटाफेज में पढ़ते हैं, हाँ मेटाफेज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी उस दिन मैंने कराया था बीड लाइक थिकेंड पोर्शंस ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम्स, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, सेंट्रियोल और क्रोमोसेंटर, तो मैंने बताया था बीड लाइक अपीयरेंस होता है बीड्स के तरह, तो उसको हम लोग क्रोमोमियर्स बोलते हैं, जो कि लेप्टोटीन स्टेज में हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन था विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज बाई डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम्स, तो हम जानते हैं कि डीएनए सिंथेसिस कहां होता है, एस फेज में होता है, तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा एस। नेक्स्ट है 29 व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन लीड टू सिनोसाइटिक कंडीशन, सिनोसाइटिक कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन, सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं हम लोग मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन को बोलते हैं, सिनोसाइटिक का मतलब होता है याद रखने का है, सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियेट, मल्टी न्यूक्लियेट होगा कब, हम जानते हैं मल्टी न्यूक्लियेट होता कब है, जब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाए लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हो, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन इट लीड्स टू अ सिनोसाइटिक कंडीशन और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। ये होगा कब, क्रिप्टोमाइटोसिस के दौरान, एंडोमाइटोसिस के दौरान, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान, या फिर डायनोमाइटोसिस, तो हम जानते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, योर आंसर विल बी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, योर आंसर विल बी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और लास्ट क्वेश्चन था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपियर इन, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोटीन स्टेज में हो रहा था, दैट इज सेकंड स्टेज, कौन सा था, पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, लेप्टोटीन दिया हुआ है, पैकेटीन दिया है, जाइगोटीन दिया है, एंड डिप्लोटीन दिया है, तो जाइगोटीन में, ठीक है, तो क्लियर है सब, 300 क्वेश्चन हो गया हमारा डिस्कस। सर मियोसिस वन का जो प्रोफेज था ना वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे देखा था, सिंपल समझना इस चीज को, कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट यही मेन फेज है, समझो यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली एक हमारे कितने 46 क्रोमोसोम है, ये 23 पेयर्स में होते हैं, पेयर्स इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि हर
क्रोमोसोम के जैसा एक दूसरा क्रोमोसोम भी होता है, लगभग उसी के तरह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेम स्ट्रक्चर जैसा होगा। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे 23 पेयर्स क्या होते हैं ना, अलाइंड हो जाते हैं ऐसे एक जगह ऐसे, ठीक है। यही प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट में आपके कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। अभी तक प्रोफेज फर्स्ट में अलाइनमेंट नहीं हुआ है, अलाइनमेंट कहाँ होगा, मेटाफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट काफी बड़ा फेज है, इसीलिए स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज था लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में होता क्या है, लेप्टोटीन स्टेज में, सब स्टेज में एक्चुअली हम कह रहे हैं कि कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, क्रोमेटीन का, और वो क्रोमोसोम्स के रूप में क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं। दूसरा लेप्टोटीन के बाद जस्ट था जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता क्या है, इसे हम लोग सिनेप्टोटीन भी कहते हैं, इसमें बाइवेलेंस का फॉर्मेशन होता है। बाइवेलेंस हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम एक साथ आके पेयर्ड अप हो जाते हैं, इसमें पेयरिंग होता है। तो दूसरा जो स्टेज था लेप्टोटीन में ही हम लोगों ने ये देखा कि जितने क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के एक साइड ही में ज्यादा अलाइंड होते हैं, और इसीलिए एनिमल के केस में इसे हम लोग बुके स्टेज कहते हैं, बुके स्टेज कहते हैं, और प्लांट के केस में सिनिजेसिस स्टेज कहते हैं, सिनिजेसिस स्टेज। ये हम प्लांट के केस में देख रहे हैं, ठीक है। एनिमल के केस में बुके स्टेज, प्लांट के केस में दूसरा होता है। ये चीज किसमें हो रहा है, जाइगोटीन स्टेज में होता है। हम लोगों ने देखा था जाइगोटीन में क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं। इसी के बीच क्या होता है कि कुछ एक डेंस मटेरियल दोनों क्रोमोसोम के बीच में रहता है, जो कि और इसको खींचता है, विस्कस बनाता है, और यही टोटल जो कॉम्प्लेक्स है इसी को हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहां तक सिनेप्टोटीन या जाइगोटीन में सिंपल क्या हो गया है, पेयरिंग हो गया है, पेयरिंग हो गया है, और पेयर्ड अप हो गए हैं क्या चीज, क्रोमोसोम्स, एक जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे क्रोमोसोम पास पास आ गए, पेयरिंग हो गया है। इसके बाद से क्या होगा, थर्ड जो स्टेज है दैट इज पैकेटिन स्टेज। इसमें मेन जो चीज होता है वो होता है रिकम्बिनेशन। इसीलिए मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम बनते हैं या जो डॉटर सेल बनते हैं, वो ना ही एक दूसरे के जैसे होते हैं, ना ही वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट के जैसे होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो थर्ड जो स्टेज था हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज पैकेटिन स्टेज। पेयरिंग के बाद क्या होगा, पैकेटिन स्टेज में आपका हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होगा। कैसे होगा वो यहां पे देखना, समझो ये क्रोमोसोम है ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहां पे ओवरलैपिंग है, समझो इस तरीके से। ये दोनों जो है, ये इस क्रोमोसोम के ये दोनों क्या हो गए, इसको ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। और ये देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट क्रोमोसोम का है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और हम जानते हैं क्रोमेटिड बना हुआ क्या चीज का है, समझो यहाँ पे डीएनए का ही ना बना हुआ है। डीएनए क्या है, प्रोटीन के ऊपर ओवरलैप होता है, ये डीएनए इसका डीएनए, जहां डीएनए क्या हो रहा है, सट रहा है, वहीं पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये दोनों जो डीएनए आपस में सट रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस चीज को मैंने बताया भी था कि कैसे हो रहा है, तो वो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करके भी बताया था, फिर से बता दे रहे इस चीज को कि समझो अगर इसी को एनलार्ज करके हम देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, क्योंकि पैकेटिन स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रॉसिंग ओवर, या दोनों डीएनए में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फ्रेगमेंट्स होता है, जिसके वजह से नए डीएनए बन जाते हैं।
ये समझो ऐसे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये एक पार्ट हो गया, एक क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम मैं बात कर रहा हूं, हम दूसरे क्रोमोसोम को बना रहे हैं, ठीक है। ये बनाइएगा तो, अगर नहीं बनाए थे तो, ठीक है। समझो यहीं पे क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ये आपके क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। हेडिंग आपका कौन सा चल रहा है, थर्ड सब स्टेज, दैट इज पैकेटिन, पैकेटिन, ठीक है। ये क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए आपके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब यहां पे एक्सचेंज फ्रैगमेंट्स का होगा, तो कैसे चीजें हो रही है, समझना इस चीज को। ये एक्सचेंज के बाद क्या स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, देखो ये अगर मैं इसके फ्रैगमेंट की बात कर रहा हूं, ये समझो ये एक्सचेंज पार्ट देखो, तुम देखो ये पार्ट जो कि इसका था, ये अब किसका हो गया है, इसका हो गया है, ठीक है। और ये मैंने लाइनिंग लाइनिंग जो दिया है वो क्या हो गया, आप देखो ऊपर वाले क्रोमेटिड, तो ये जो फ्रैगमेंट था जो कि इस क्रोमेटिड का, ये पहले फ्रैगमेंट हुआ करता था, अब क्या हो गया, ये हो गया, तो एक्सचेंज हो गया है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस चीज क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं, या इसी चीज को एक साइन, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टर्न एंड होट्टा था, इन्होंने ब्रेकेज एंड री यूनियन थ्योरी को बताया था, ठीक है। और जो नया डीएनए बनता है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड डीएनए, इसे हम लोग हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं। इसमें इंजाइम चाहिए, कौन कौन सा इंजाइम चाहिए, दो मेनली इंजाइम चाहिए। पहला क्या, ये फ्रैगमेंट टूटेगा तभी तो ये जुटेगा, ठीक है। तो दो है, पहला जो उस एंजाइम को एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस बायोमोलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। दूसरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, दैट इज नोन एज रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज। तो दो एंजाइम चाहिए, एंडोन्यूक्लियस और हम कह सकते हैं रिकम्बिनेज एंजाइम।
तो यही चीज हो रहा है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। ये फिगर बनाई तो जल्दी से। चलिए तो यही चीज हो रहा है पैकेट इन स्टेज में। तो ये फिगर जहां बना लीजिएगा उसके नीचे, ये सब स्टेज हमारा पैकेट इन चल रहा है, उसके नीचे लिखिएगा। मैंने लिखाया था रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मॉर्गन और कासल का मैंने बताया था। इसी चीज को ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी बोला गया था। रीयूनियन थ्योरी जो कि कौन दिया था, एक दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम स्टर्न था, दूसरे का नाम हॉट्टा था। इन्होंने इसी चीज को बताया था, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी बताया था। इसी चीज को ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी बताया था स्टर्न एंड हॉट्टा ने। ठीक है, पॉइंट देखिए, लिखेगा ब्रेकेज एंड रीयूनियन थियरी, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थियरी इज एप्रोप्रिएट थियरी, इज एप्रोप्रिएट थियरी, इज एप्रोप्रिएट थियरी फॉर क्रॉसिंग ओवर which is explained, with the help of most accepted model. Most accepted model, जो कि हाइब्रिड डीएनए मॉडल बताया गया था। मतलब ये चीज स्टर्न एंड हॉट्टा ने ब्रेकेज एंड रीयूनियन थियरी दिया था, लेकिन इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था हाइब्रिड डीएनए मॉडल से, by Holiday and White House. These are the names of scientists. By Holiday and White House. इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि हाँ, हाइब्रिड डीएनए होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में मेनली जो एंजाइम है दैट इज रिकम्बिनेज है, उसमें दो पार्ट है,
तोड़ने वाला एंजाइम, क्योंकि जब तक डीएनए फ्रैगमेंट टूटेगा नहीं वो जोड़ हम नहीं सकते, उस चीज को कंबाइन नहीं कर सकते, तो तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज एंडोन्यूक्लियस, एंड जोड़ने के लिए जो फिर फर्दर एंजाइम चाहिए दैट इज लाइगेज। तो दो एंजाइम है, फर्स्ट इज एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड इज लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस तोड़ने का काम कर रहा है, जो कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे तोड़ देता है, नाइट्रोजीनस बेस पे तोड़ देता है, और साथ ही साथ जब जोड़ने का या ग्लूइंग जो एंजाइम है ग्लू करने के लिए दैट इज लाइगेज, दोनों को मिला के हम लोग रिकम्बिनेज इसको बोल रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, enzyme mediated process, and the enzyme involved is called recombinase में दो पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो गया कि एंजाइम जो तोड़ेगा दैट इज एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा जो पार्ट है जो कि डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, दैट इज लाइगेज। जो कि एंजाइम जोड़ने का काम कर रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट ब्रेक्स, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, the non-sister chromatids at the place of recombination nodules। देखो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होता क्या है, समझो कि अगर रिकम्बिनेशन हो गया, समझो समझना ये चीज है, रिकम्बिनेशन यहां पे हो गया तो जब ये दोनों अलग होगा तो आपस में क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे जहां जहां रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा वो पॉइंट क्या होगा, टकराएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जो एक्स से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ पे समझो रिकम्बिनेशन हुआ ना, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो पार्ट है जहां पे क्या हो गया सटा है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किया है, उस पार्ट पे क्या होता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जैनसन नाम के, उन्होंने डिस्कवर किया था, और इसी चीज को उन्होंने कियाजमाटा बोला था, ठीक है, तो कियाजमाटा क्या है, जब दोनों क्या होगा सेपरेट होना स्टार्ट करेगा तो जहां जहां ओवरलैपिंग है वहां क्या होगा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, एंड दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन एज कियाजमाटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कियाजमाटा कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स रीयूनाइट आफ्टर एक्सचेंजिंग, रीयूनाइट आफ्टर एक्सचेंजिंग, आफ्टर एक्सचेंजिंग, रीयूनाइट आफ्टर एक्सचेंजिंग दियर पार्ट्स, बाई एंजाइम लाइगेज, बाई एंजाइम कौन सा एंजाइम, तो लाइगेज तोड़ा कौन, एंडो न्यूक्लियस, दोनों को क्या मिला के बोल रहे हैं, रिकम्बिनेज, एज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एज अ रिजल्ट acts like structures, cross like structures, cross like structures, chiasmata formed in, chiasmata जो कि कौन discovered किया था, discovered by Jensen, Jensen, discovered by Jensen, form in bivalent, मतलब सिंपल समझ में आया कि हम कह रहे हैं कि जब दोनों सेपरेट होगा या फिर जहां जहां क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है, और यही जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज क्यास्माटा, इसे ही हम क्यास्माटा कहते हैं। कितना कियाज्माटा बनेगा, ठीक है, कितना कियाज्माटा बनेगा एक क्रोमोजोम पे, तो वो उसके क्रोमोजोम के लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा चांसेस है, क्रोमोजोम जितना लंबा होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि वहां वहां क्या हुआ होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। तो कियाज्माटा का जो नंबर है कि कितना होगा, 10 होगा कि 20 होगा, वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, और कितना क्रॉसिंग ओवर होगा वो क्रोमोसोम के लेंथ पे डिपेंड करता है। इसी में लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ कियाज्माटा, नंबर ऑफ कियाज्माटा पर बाईवैलेंट depends upon the length of chromosome, depends upon the length of chromosome। तो ये तो था भाई हमारा जो मेन स्टेज है मियोसिस में, जो मेन स्टेज है दैट इज पैकेटिंग, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और यहीं पे वेरिएशन का कॉज भी होता है कि वेरिएशन होता है, ठीक है, तो मेन स्टेज यही है हमारा। नेक्स्ट है फोर्थ जो सब स्टेज है, दैट इज डिप्लोटिन, यहां तक ठीक है, हो गया। नेक्स्ट फोर्थ सब स्टेज हमको पढ़ना है, दैट इज डिप्लोटीन। अच्छा ये बोल रहे हैं कि अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दियो,
ठीक है, आप अभी पोर्शन जो, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं, तो मैक्सिमम टाइम आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पोर्शन को सॉल्व करने में देना, ठीक है। अगर मान लो कि एवरेज, तो मान के चलो अगर मैं बात करूं, तो एवरेज मान के चलो कि 4 से 5 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी तुमको करना होगा, एकदम ही करना होगा सिंसियरली। अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि हाँ वो तुम क्वालिफाई कर जाओ। क्वालिफाई कहने का मतलब है, नीट क्वालिफाई करने का मतलब है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नंबर आपको 600+720 में स्कोर करना ही होगा, ठीक है। बायो के लिए कम समय देना है, बायो क्लास में पढ़ लिए, एक बार जो आप नोट्स लिख रहे हो उसको उसको बस रिवाइज कर लेना है डेली बेसिस पे। क्वेश्चंस आप कम भी सॉल्व करोगे, आपके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सॉल्व आप कर लोगे, बाद में बायो रिवाइज हो जाता है अगर पढ़ा हुआ है तो। बायो आप सिंपल समझोगे कि हम रट लेंगे, क्योंकि अभी तक एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है 10th तक, क्योंकि बायो बहुत कम रहता है 10th तक अगर समझो तो। अभी आपको 38 चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स 11th में रिमूव किए गए हैं, उनसे कंटेंट हटाया गया, चैप्टर नहीं हटाया गया, कुछ कंटेंट हटाया गया है, क्योंकि आप 22 में दोगे तो आपको वो सब 11th का पोर्शन उतना नहीं रहेगा। फिर भी मान के चलो कि आप 35 चैप्टर्स के अराउंड तो रहेगा ही रहेगा कंटेंट, तो काफी ज्यादा है। इस पर क्वेश्चन देख रहे हो कि आप बना रहे हो, तो ऑप्शंस बड़ा लगने वाला आता है कि लगता है कि हाँ यही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा, गलत हो जाता है कई बार। तो बायो में ऐसा ही चीज होता है, 90 क्वेश्चंस में आप मान के चलो कि आपको 85 टारगेट रखना है कि हाँ स्कोर करना है हर बार आप दोगे तो एग्जाम, ठीक है, या फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपको उतना स्कोर करना ही होगा। लेकिन यहाँ समझो कि अभी आपको दिन भर का समय में आप मान के चलो कि 1-2 घंटे आपको फिजिक्स देने, 2 घंटे केमिस्ट्री देने, 1 घंटे आपको बायो देना है, ये 5 घंटे की आप सेल्फ स्टडी एकदम ही सिंसियरली कंटिन्यूअस स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बीतते देरी नहीं लगता। देखते देखते समझो कि 1 महीना हो गया हम लोग का, ठीक है, 1 महीना से ज्यादा ही हो गया चलते हुए क्लास, तो धीरे धीरे करके क्लास में भी, क्योंकि धीरे धीरे आप इन्वॉल्व हो गए और चैप्टर्स आप वो प्रीवियस चैप्टर भी उसमें एड ऑन होते चला जाता है, तो काफी लेंथ भी टेस्ट का बढ़ जाता है आपका, आपका सिलेबस टेस्ट में बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए अभी सिंसियरली इस चीज को कवर अप करना है, कुछ बैकलॉग नहीं रखना है, बैकलॉग और वीकली बेसिस पे रूटीन बनाओ, डेली बेसिस बनाने का जरूरत नहीं है, डेली वाला कुछ चलता होता है नहीं, क्यों, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है किसी दिन आपको कुछ काम हो सकता है, तबियत ठीक नहीं हो, वीकली बेसिस पे रखो कि हाँ वीक में इतने चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे, इतना क्वेश्चन हम लगा लेंगे, इतना जो चल रहा है करंट पोर्शन ये पढ़ लेंगे, थोड़ा आगे का भी हम पढ़ लेंगे अगर पॉसिबल है तो। अगर आगे का नहीं भी होता है तो ये चीज एकदम कंफर्म रखो कि हमको जो प्रेजेंट मेरा चल रहा है पर वीक वो चीज मेरा कंप्लीट हो जाए। संडे आप यूटिलाइज करो कि हाँ उस दिन रेस्ट लेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय है, आप सोचोगे कि नहीं, क्योंकि शुरू शुरू जैसे 10th से 11th में आते हो तो काफी सिलेबस में वाइड हो जाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, हर चीज बड़ा लगने लगता है, और हर चीज एक फैसिनेशन ये भी आता है कि एक प्रिटेंशन होने लगता है ये चीज कि हम दिखाए कि हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं, या फिर वो चीज मोटे मोटे बुक हम पढ़ेंगे, तो ये सब चीज से आपको शुरू में तो फैसिनेट करती है, वो चीज पेस मेंटेन नहीं हो पाता है, 1 महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो एक स्टैटिक, एक ऑप्टिमम लेवल को रखना है, ना ज्यादा हाइप बनाना है कि हाँ एकदम हम पढ़ने लगे 10-10, 12-12 घंटे या 15 घंटे पढ़ रहे एकदम दिन रात एक किए हुए, और 1 महीना पढ़े थक गए फिर सो गए फिर बेकार हो गया सब चीज, तो एक कॉन्स्टेंट पेस पे कि हाँ 4-5 घंटे की पढ़ाई हम सिंसियरली हर दिन करें। साल में मान लो कि तुम 30 दिन आराम भी करते हो, बाकी 11 महीना पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, 52 दिन तुमको आराम करना है समझो, जितना संडे तुमको आराम करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो लॉन्ग रेस में टिक ही नहीं पाओगे, एक मैराथन है ये, स्प्रिंट थोड़ी ना है कि तुरंत भागे तुरंत पहुंच गए, कि 4 दिन पढ़ोगे 4 दिन बाद एग्जाम है तुम्हारा, ऐसा नहीं है, तो काफी लंबा प्रोसेस है इसमें, और इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है और सब चीजें आ रही है, इस समय आप डेवलप भी हो रहे हो, चीजें भी बहुत सारी चीजें अननेसेसरी जो आपको अट्रैक्ट करती हैं अपने तरफ, उस सब चीज को भी मेंटेन करना है। तो मिनिमम मान के चलो जो पॉइंट है नटसेल में वो ये है कि 4-5 घंटे की पढ़ाई अभी से सिंसियरली करना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हाँ वो पढ़ रहा है कि नहीं, वो चालू किया है कि नहीं, आपके फ्रेंड पढ़, आपका पढ़ाई स्टार्ट हो गया है और आप उस प्रोसेस में आ गए कि हाँ अब 2 साल के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं कि 2 साल बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपके 12th बोर्ड के साथ क्वालिफाई कर लाना है, दैट इज 600+ स्कोर लेना है, तो अभी से ही वो चीज कंसंट्रेट करना है। इसमें जो जो चीजें आपको दिक्कत आ रही है आप एकदम ही बोलो, बिल्कुल बेझिझक, हाँ ये सर दिक्कत आ रही है, ये चैप्टर हमको नहीं समझ में आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन बनाए थे ये फंस रहा है, आप अदर बुक से भी क्वेश्चन बनाओ, आपसे नहीं बनते आप उस चीज को डालो ग्रुप में, या हमको पर्सनल भी भेज दो कि हाँ सर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम क्लास में, क्योंकि नहीं करोगे तो समझो
नहीं होगा. नेक्स्ट सब स्टेज दैट इज फोर्थ जो सब स्टेज है दैट इज देखो डिप्लोटी. हाँ बोलिए सर. मियोसिस ही लास्ट टॉपिक है क्या इस चैप्टर का? मियोसिस हाँ लास्ट टॉपिक है. मियोसिस फर्स्ट पार्ट है, मियोसिस सेकंड, फिर खत्म हो जाएगा. ओके थैंक यू सर. देखो हम डिप्लोटीन की बात कर रहे हैं तो जो बाइवेलेंट्स बने थे सिनेप्टोटीन में मतलब जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ था, अब वो डिसॉल्व करने लगता है. मतलब दोनों जो क्रोमोसोम थे होमोलोगस क्रोमोसोम अब डिसॉल्व करके एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर जाते. यही हम कह सकते हैं डीमार्केशन पॉइंट है डिप्लोटीन का, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्मड इन द सिनेप्टोटीन स्टेज और जाइगोटीन मतलब पैकेटीन के पहले वाला सेकंड सब स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिप्लोटीन में क्या होता है डिसॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड. The beginning of diplotene is recognized by dissolution of synaptonemal complex. Synaptonemal complex. चीज को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या उस चीज को बनने को सिनेप्सिस कह रहे थे, यहां पर डिसोल्यूशन हो रहा है तो क्या हम इस प्रोसेस को डीसिनेप्सिस नहीं कह सकते है? इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिनेप्सिस का उल्टा हो रहा है, यहां पर डीसिनेप्सिस हो रहा है, डीसिनेप्सिस. ठीक है यह सिनेप्सिस का उल्टा प्रोसेस है. अब होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं, और रिपल्स करते हैं तो क्या होता है कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि हम बोल रहे थे क्या बनता है कि कियाज्माटा का फॉर्मेशन होता है या कियाज्माटा अब हम नजर आने लगता है. बनता तो वो कब है, बनता तो वो पैकेटिन स्टेज में, लेकिन जब नजर कब आएगा जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट होगा तभी ना दूर हो जाएगा तो हमको लगेगा कि हाँ यहाँ यहाँ ओवरलैपिंग है, यहाँ पे कियाज्माटा बना होगा. नेक्स्ट पॉइंट होमोलोगस क्रोमोजोम्स. Homologous chromosomes, homologous chromosomes start repulsing each other. So X shaped structures जो कि है हमारा क्या कियाज्माटा, become visible. So X shaped structure कियाज्माटा become visible. अब वो कियाज्माटा हमको नजर आने लगेगा. हो गया. किसी किसी स्टेज में किसी किसी एनिमल में डिप्लोटीन जो स्टेज होता है जैसे कि हम ऊजेनेसिस में हम पढ़ेंगे भी जब हम देखेंगे कि ओवम का फॉर्मेशन होता है तो ओवम डिप्लोटीन स्टेज में आके रुक जाता है या हम कह सकते हैं ऊसाइट जो है
डिप्लोटीन स्टेज में आके वर्टिब्रेट्स का, जैसे ह्यूमन के भी केस में क्या हो जाता है, प्यूबर्टी तक रुका रहता है डिप्लोटीन स्टेज में. उसके बाद से क्या होता है, वो डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस में वो जाता है. कब? जब प्यूबर्टी अटेनमेंट हो जाता है, दैट इज जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, ऑर्गन्स है, वो फंक्शनल हो जाते हैं तब. तो ह्यूमन के केस में फीमेल में डिप्लोटीन स्टेज तक आके गैमिट फॉर्मेशन वाला क्या हो जाता है, रुक जाता है. मतलब वो पैकेज लिप्रोटीन तो दिखाएगा, मियोसिस फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में लिप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन आके रुका हुआ है. अब इंतजार कर रहा है वो कि प्यूबर्टी अटेनमेंट होगा, तब जाके वो क्या होगा, आगे के केस को फॉलो करेगा या आगे के स्टेजेस को एंटर करेगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डिप्लोटीन में लास्ट, डिप्लोटीन मे लास्ट लॉन्ग अप टू ए मंथ और ईयर्स For example, in human female, it lasts up to attainment. Of puberty, that is 12 to 15 years तक हो सकता है, ठीक है. Normally 10 to 12 years होता है, 15 साल वैरी भी करता है person to person. ठीक है वैष्णवी, आज एकदम अभी हम क्लास ओवर होगा तो सेंड कर देंगे. सर हो गया? हाँ बोलिए सर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो जो एक्स से जो बोल रहे हैं आप, जाइगोटीन समय जो सिनेप्टोनेमा नहीं जो फॉर्म करता है सर, वो दोनों आइडेंटिकल क्रोमोसोम होता है ना? नहीं, आइडेंटिकल नहीं होता है, एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे, सिमिलर क्रोमोसोम, तो उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. आइडेंटिकल क्रोमोसोम नहीं होता, सिमिलर क्रोमोसोम होता है. सिंपल क्या हुआ समझना इस चीज को, लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम बना, पहले वो क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, फिर क्या था, एक जैसे 46 क्रोमोसोम बने ना, तो 46 में से 23 एक जैसे जो आपस में एक जैसे लगभग दिखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकली, वो एक जैसे एक पास आ जाते हैं. तो इसी को एक पास आने पे क्या मैपस बोलते हैं, और यही स्टेज में हो रहा है जाइगोटीन. पैकेटीन में क्या हुआ, उनके बीच जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था उनका, दोनों एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड आपस में सिस्टर, दूसरा वाला आपस में सिस्टर, लेकिन दो क्रोमोसोम है, उसका आपस में एक एक क्रोमेटिड क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, उसके बीच क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो कियाजमाटा बनेगा. लेकिन ये पैकेटीन में बना है, लेकिन नजर हमको कब आएगा, डिप्लोटीन में, जब वो दूर दूर एक दूसरे से होता है. इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कियाजमाटा कहते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, जो दूर दूर होता है, या हम इसी चीज को डी सिनेप्सिस भी कहते हैं, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, अब डिसॉल्व कर गया. ये तो था फोर्थ सब स्टेज. अब बात करते हैं हम फिफ्थ सब स्टेज की, दैट इज नोन एज डाइकाइनेसिस. सर डिप्लोटीन का बहुत कैरेक्टर आ जाएगा ना, मदर्स एंड फादर्स का. हाँ, उसमें नहीं, अभी मदर और फादर का कुछ नहीं आया है, अभी मदर और फादर का तो कुछ ही नहीं आया, अभी तो दो मेल गैमेट बनेंगे ना, अभी तो ये चीज, तो मियोसिस फर्स्ट जो हो रहा है वो तो फर्टिलाइजेशन में ना होता है, अभी तो गैमेट बन रहा है, समझो मियोसिस में स्पर्म बना, ओवम बना, ये जो बनने वाला प्रोसेस, अभी मदर फादर का तो कैरेक्टर आया ही नहीं है. अभी स्पर्म हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि एक स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो रहा है, चार स्पर्म बना रहा है, तो चारों क्या होता है ना कि कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ सब में क्या होता है, डिफरेंस होता है. क्यों? क्योंकि वो पैकेटीन स्टेज में क्या हुआ था,
क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसमें, सारे आइडेंटिकल एक जैसे नहीं बनते। यही चीज हम मियोसिस माइटोसिस में डिफरेंस भी बोलते हैं कि माइटोसिस में दो सेल जो बना दोनों एक जैसा एग्जैक्ट है, मतलब आपस में भी एक जैसा, और मदर जो पेरेंट जहां से डिवाइड हुआ वहां वैसा भी दिख रहा है। लेकिन अगर मियोसिस की हम बात कर रहे हैं तो जो चार सेल बना, ना ही चार सेल आपस में एक जैसा है ना ही अपने पेरेंट के जैसा है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन जाइगोट की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। अभी सेल सिर्फ डिवाइड हुआ है, अभी फ्यूज नहीं हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम लास्ट फाइनल सब स्टेज होता है, फाइनल स्टेज होता है मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट का। हम लिख सकते हैं इट इज द फाइनल सब स्टेज, फाइनल सब स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। अगर मैं इस चीज के डीमार्केशन की बात करूं कि कैसे ये मार्क्ड होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, समझो इस चीज को कि यहां पे ये क्रोमोसोम था, ये क्रॉसिंग ओवर किया हुआ था, मान लो किस किस रीजन पे किया हुआ है, समझो ऐसे है, यहाँ ये यहाँ किया हुआ। अब ये जब खुलने लगेगा, समझो खुलने लगेगा, एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगा, तो खींचेगा तो ये वाला पॉइंट जहां यहाँ था वो खींच के क्या होगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, अनजिपिंग के दौरान पहले यहाँ आएगा, फिर क्या हो जाएगा और अलग हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। तो इस चीज को, क्योंकि ये सेंटर की तरफ से दोनों, जब मान लो इस साइड भी हम बात कर रहे हैं, इस साइड भी है, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ है, मान लो यहाँ जब खींच रहे, इसको ध्यान से समझना, खींच रहे तो ये दोनों पॉइंट सेंटर से टुवर्ड्स अवे जा रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो खींचेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ अनजिपिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिपिंग अनजिप हो रहा है, तो जब अनजिपिंग होगा तो ये क्या होगा, या खींचेगा तो कियाज्माटा टर्मिनल हो रहा है, टर्मिनल मतलब कि पेरिफेरल इन पोजिशन हो रहा है, मूव कर रहा है किधर, आगे के साइड, बाहर के साइड, तो इसी चीज को टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा बोलते हैं। तो डाइकाइनेसिस स्टेज जो है That is marked by terminalization of chiasmata, ठीक है, और कैसे chiasmata open होता है, तो एक zip के तरह, जैसे हम zip करते हैं तो unzip करते हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, खींचेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खुलता चला जाएगा। अब zip को भी खींचोगे तो क्या होता है, वो खिंचता चला जाता है, खुलता चला जाएगा, वैसे ही chiasmata भी open होता है। Second point लिखेगा, marked by terminalization, terminalization of chiasmata, marked by terminalization of chiasmata, terminalization of chiasmata, और chiasmata open कैसे हो रहा है, chiasmata open in zip like manner में क्या हो रहा है, open। अब देखो यहां पे पूरे तरीके से डिसोल्यूशन हो चुका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और क्रोमोसोम जो होता है फुल्ली कंडेंस स्टेज में आ जाता है, और डाइकाइनेसिस के एंड तक, या हम कहते हैं अब मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, मियोटिक स्पिंडल बन जाते हैं, ठीक है, और इसी स्टेज में क्या होता है डाइकाइनेसिस, जो कि प्रोफेज का लास्ट स्टेज है, इसी में जो क्रोमोसेंट्रियोल डुप्लीकेट किया था वो क्या होता है अपोजिट पोल पे मूव कर अरेंज हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर fully condensed, chromosome are fully condensed and
मियोटिक स्पिंडल, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर the homologous chromosome for separation the homologous chromosome for separation. फिर क्या होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करेगा, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द सिर्फ पहले सेंट्रियोल में जाएगा पोल्स पे, उसके बाद ही ना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा. हाँ, उसके बाद से क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर्म करेगा. मतलब ये सारी चीजें डाइकाइनेसिस में हो रहे हैं. और बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, जो कि प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, कि वो दोनों का दोनों क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है. न्यूक्लियोलस डिसअपीयर. ये चीज हमारा हो गया डाइकाइनेसिस पूरा, मतलब ये चीज हमारा हो गया प्रोफेज फर्स्ट पूरा. यही मेन था पार्ट, प्रोफेज फर्स्ट. उसके बाद से प्रोफेज सेकंड जो है, प्रोफेज फर्स्ट में भी ये प्रोफेज फर्स्ट ही मेन था. मेटाफेज, एनाफेज, फर्स्ट टेलोफेज, ये सब तो बहुत कम है. मेन हमको पढ़ना था, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट. इसी में से क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा आते हैं, इसी में से डिफरेंट सब स्टेजेस से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. मेनली यही पढ़ना था हमारे, हमको प्रोफेज फर्स्ट. अब है इसके बाद, दैट इज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, और फिर मियोसिस सेकंड. दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्टार्ट कर देंगे. एक चीज पूछना है आप लोगों से सबसे, कि समझ में आ रहा है पढ़ाना, ठीक है? जहां भी जिस तरह का भी हेल्प चाहिए, हम लोग हमेशा है, ठीक है? आप सिंपल बोलो कि हाँ आपको, क्योंकि देखो हर आदमी का पर्सनल पढ़ने का तरीका या उसके ब्रेन की कैपेसिटी या ग्रेस्टिंग पावर अलग अलग होती है. इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इंसान, अगर मान लो लेट से कोई इंसान समझ रहा है, तो ये बिल्कुल थोड़ी ना मतलब है कि वो बेवकूफ है. हो सकता है कि उसके में ये चीज हो सकता है कि वो ग्रैस्पिंग, दो चीजें से आप हमेशा देखो कि अगर बहुत जल्दी जल्दी जो पढ़ने वाला होता है ना, एकदम हैफाजार लिखी तुरंत पढ़ ली, वो तुरंत भूल भी जाता है. अगर मान लो ठोक बजा के पढ़े ना, कि हाँ एकदम बढ़िया से समझ के पढ़े, एक ही बार में पढ़े, हो सकता है 10 दिन में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आ गया तो वो चीजें नहीं भूलेंगे, कम से कम एग्जाम तक तो, ठीक है? आपको पर्पस, आपको, क्योंकि हर चीजें बदलेंगी, इस चीज का ना बड़ा यूटिलाइजेशन है. आपको आगे मेडिकल साइंस आप लोगे, आपको पढ़ोगे मेडिकल साइंस की बुक, तो बेसिक थोड़ी ना कोई पढ़ाने वाला, ये सिंपल डिवीजन आपको मान के चल रहा है कि ये सब चीज आता होगा,
आपसे अभी हम पूछे कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, ये चीजें तो मैंने खुद लिखवाया क्योंकि एक तरीके से रिविजन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखने को मिले हैं जो टेंथ तक बहुत ही एवरेज थे लेकिन इलेवन ट्वेल्थ में बहुत मेहनत करके अच्छी जगह पे पहुंच गए। मेन जो बेस है इलेवन ट्वेल्थ है आपका, क्योंकि यहीं पे देखो आपको टेंथ के पहले का कोई सिलेबस नहीं पूछ रहा है आपको, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, आप ऐसा नहीं कि आप नीट दे रहे हो, आप निफ्ट दे रहे हो, आप आईआईटी दे रहे हो, जो भी आप क्लैट दे रहे हो लॉ के लिए, तो जो भी आपके सिलेबस रहते हैं वो इलेवन ट्वेल्थ पे बेस्ड होते हैं, ना कि एट नाइन टेंथ या सिक्स से पूछ रहा है, ऐसा नहीं है, बेवकूफ ना बना रहा। तो सिंपल वो मान के चल रहा है कि वो बच्चा जो कि एट नाइन टेंथ तक नहीं भी पढ़ा होगा वो इलेवन ट्वेल्थ में सिंसियरली पढ़ लेता है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहेगा, वो अच्छे जगह सेटल हो सकता है। तो सिंपल सा चीज है, जो भी चीजें आपको बेसिक से भी मैंने बताया, ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो। क्योंकि देखो 3 घंटा रहता है, 3 घंटा 180 मिनट, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, हर मिनट में एक क्वेश्चन, जो कि ऐसा नहीं होता है। बायो मान के जो 90 क्वेश्चन तुम एकदम एक्यूरेट बनाओगे ना, एकदम अच्छे से तुमको पता रहेगा, तो 90 क्वेश्चन बनाने में तुमको ओएमआर भरने के साथ 35 से 40 मिनट लगेगा मुश्किल से 90 क्वेश्चन। बाकी तुम्हारा, हाँ वैष्णवी बोलिए क्या प्रॉब्लम है। सर आप जो डेली जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डेली ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कर दूंगा सर। एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो समझ में आता है कि कितना समझ में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे जो इससे हुआ टॉपिक पे उससे मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। और ये सेल डिविजन खत्म ही होने वाला है, 2 क्लास में आपका खत्म भी हो जाएगा, तो इस पे भी मैं भेज दूंगा। मैं उस समय मैंने क्लास नहीं लिया था तो मैंने कुछ भेजा भी था आप लोगों को, क्वेश्चन बन गया था। सर कुछ कुछ डाउट था उसमें भी, ठीक है, तो उसमें डाउट था तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। डाउट रखना नहीं है, ठीक है। डाउट देखिए एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है कि हम लोग डेली बेसिस पे अगर 10-15 मिनट भी डाउट सॉल्विंग करें तो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं है कि हम 1-1.5 घंटा, क्योंकि उतने क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन है उसमें, तो पॉसिबल नहीं है कि हर दिन एक ही दिन पूरा कर ले। हम वीक में रखेंगे कि पिछले वीक में मैंने जो सैटरडे के सैटरडे ऐसे मैं करूंगा कि आपको सैटरडे या फ्राइडे को ही भेज दूंगा सारा, आप 2 दिन में आपको समय मिल जाएगा और पूरे वीक में उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि हर 10-15 मिनट हम लोग पर डे दे के क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ पूछना है। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स, जो चैप्टर 9th है एनसीईआरटी का। इसके बाद से आपसे तीनों से रिक्वेस्ट है ये कि आप सेल मैंने पढ़ा दिया, सेल का एनसीईआरटी आप पढ़ के देखना एक बार, नोट्स पूरा पढ़ना और सेल का एनसीईआरटी पढ़ के देखना, लगेगा खिलौना जैसा कि लगेगा हमको सब चीज पता है, पढ़े आप जो पढ़ा है सब चीज मैच कर रहा है उसमें। हाँ तो उसमें पढ़ोगे तो एकदम एनसीईआरटी तो ऐसा है ही नहीं कि आप सोचोगे कि उसमें से कुछ भी चीज नहीं, इतना सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। क्योंकि शुरू में एक दो बच्चे थे उनको लग रहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ या सिलेबस से बाहर का पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड्स के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, 11th में आपका बोर्ड्स नहीं होने वाला है, ठीक है, तो मैं नीट को टारगेट लेके पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो जो चीजें मैं ये सब सारी चीजें पढ़ा, एनसीईआरटी में इतना डीपली लिखा हुआ भी नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन पूछता है कि हाँ आपको ये पता होगा, आप एनसीईआरटी थोड़ी ना कि रट, मैं एकदम गारंटी आपको दे रहा हूँ आप 90 में से 70 क्वेश्चन बना लोगे एनसीईआरटी पढ़ के, लेकिन जो ब्रेस्ट 20 क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेगा एनसीईआरटी पढ़ के, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो हमको 90 के 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उस चीज को थोड़ा डेप्थ में तो हमको पढ़ना होगा ना, और एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो बड़ा सुपरफिशियल नॉलेज मिलता है, एकदम थोड़ा थोड़ा मिलेगा, चीजें लिखे रहेंगे, एक एक वर्ड लिख के छोड़ा रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देगा उसमें, फिर आपको वो मान के चलता है कि ये टीचर आपको बताएगा ही बताएगा। इसीलिए इसके बाद से हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, सेल साइकिल कंप्लीट होगा, आप सेल साइकिल पढ़ लेना, बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करके ही हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने मूव करेंगे, तो ये यूनिट हमारा चैप्टर जो 3rd यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका होगा।